अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों मैं हूं दानिश मलिक और आप सब देख रहे हैं एक रास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुहर्रम के जुलूस निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किए हैं और क्या इस बीमारी के चलते हुए इस साल मुहर्रम का जुलूस निकलेगा या नहीं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस बीमारी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए इजाज़त देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों ऐसा इतिहास में पहली मर्तबा हो रहा है जो इस बीमारी के चलते हुए मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल रहा। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबकी इस बीमारी से हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया से इस बीमारी को दूर फरमाए, आमीन। और आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक ऐसे सामान्य आदेश के लिए कह रहे हैं जिसकी क्या अगर हम इजाज़त देते हैं तो जुलूस निकालने की अनुमति देते हैं तो इससे अराजकता फैल सकती है और इससे बीमारी फैलने के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा और एक अदालत के रूप में हम सभी लोगों की ज़िंदगियों को जोखिम में नहीं डाल सकते। तो दोस्तों इस साल ये तो बात तय है कि मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल सकता। अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द इस बवा को पूरी दुनिया से दूर फरमाए और त्योहारों में दोबारा से रौनकें लौट कर आएँ। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे करो नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।